हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मैकेनिकल जॉब दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं तो फ्रेंड जो वैकेंसीज आई हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं जहां पर हमारे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं मकैनिक इलेक्ट्रिकल वाले काफ़ी वैकेंसीज़ है काफ़ी आपके साथ जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा तो फ्रेंड जो वैकेंसी आई है वो है कैटर कंपनी में तो फ्रेंड यूएस एम एन सी कंपनी है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटरपिलर का पेज आ जाएगा आपको किस तरह अप्लाई करना यहाँ पर सेवेंटी सेवन जॉब्स हैं तो मैम उनके बारे में आपको बताऊँगा तो पहले वीडियो को आप पूरा देख लेना उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फेंड यहाँ पर आपके जैसे ही आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा करियर का पेज कैटरपिलर का तो यहाँ पर हमने इंडिया लिखना है ठीक है फ्रेंड जैसे हमने इंडिया लिखा तो आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया की यहां पर आपके सामने सेवेंटी वन जॉब्स आ रही हैं तो एट प्रेजेंट सेवेंटी वन जॉब्स है यहां पर ठीक है फ्रेंड तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग यहां पर वैकेंसीज लगी हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर एसोसिएट इंजीनियर डिजाइन जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के लिए है मटेरियल अवेलेबिलिटी एनालिस्ट सप्लाई नेटवर्क स्पेशलिस्ट स्टाफ अकाउंट लीगल एंटिटी ठीक है तो इस तरह की सारी वैकेंसीज लगी हैं तो यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले जो वैकेंसी यहाँ पर बता रहा हूँ वो है फ्रेंड एसोसिएट इंजीनियर डिज़ाइन के लिए ठीक है तो इसके बाद जो है मैं आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग है सभी वैकेंसी दिखा दूंगा कुछ कुछ मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि सेवेंटी वन वैकेंसी था हर वैकेंसी मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा सिर्फ उसका ओवरव्यू दे दूंगा उसके बाद आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर एसोसिएट इंजीनियर के डिज़ाइन में यहाँ महाराष्ट्र औरंगाबाद के लिए जैसे मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फैंज ये वैकेंसी आई है फोर्टीन ऑफ फेब को टू ठीक है तो ये महाराष्ट्र के लिए औरंगाबाद में तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा द कैंडिडेट विल बी ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट सप्लाई रिसोर्स एंड कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट्स टू टाइम क्वालिटी एंड कॉस्ट एबिलिटी टू आइडेंटिटी इश्यूज एंड फाइंड द बेस्ट सोल्यूशंस फ्रॉम अ बिजनेस वाइड परस्पेक्टिव रिलेटिंग टू टाइम लाइन्स प्रॉपेबिलिटी एंड क्वालिटी प्रिपेयर्स डी एफ एम ई ए रिव्यूज द क्रॉस फंक्शनल टीम एंड गेट्स इट्स अप्रूव्ड Through the design manner works and innovative solutions to address CPI NPI NTI localization BIQ related opportunities within product design. Ensure that all prints and specification aligned to caterpillar or Perkins standards actively participate in localization through advanced quality. जिसको बोल देते हैं ए पी क्यू पी क्वालिटी प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस विद इफेक्टिव फैक्ट्री एंड सप्लायर कोलेब्रेशन सपोर्ट ऑपरेशन कंप्लाई विद कंपनी ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस ऑन क्वेरीज रेस्ड विद इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंपेयर डाटा आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कम्युनिकेट रिजल्ट टू कस्टमर सप्लायर्स टीम मेंबर्स एंड अदर बिजनेस यूनिट्स ठीक है फ्रेंड आप आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर हम हर एक चीज़ बताई हुई है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एन पी आई बी ओ एम क्रिएशन डेवलपमेंट वैलिडेशन स्पोर्ट एंड एसोसिएट इंक्वायरीज स्पोर्ट मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट क्वालिटी प्रोसीजर्स ठीक है तो इस तरह की रहेगी अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री अगर आपके पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्टिंग स्किल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद कैट टूल्स प्रोई वर्किंग नॉलेज विल बी विल यूनिवर्सिटी सो मास्टर डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी वो भी एडवांटेज रहेगा इसके लिए टू ईयर्स एक्सपीरियंस आपका मिनिमम इसके लिए चाहिए ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इंजन डोमेन डीजल या गैस या बोथ दोनों में हो तो प्रीवियस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट स्पोर्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस सो कैंडिडेट वुड हैव एक्सीलेंट मॉडलिंग विल भी बेनिफिशियल ठीक है तो फ्रेंड इस तरह की जो है रिक्वायरमेंट कंपनी ने यहाँ पर मांगी अगर आपको सात का भी जो है एक्सपीरियंस तो और वो भी एडवांटेज यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा ठीक है फ्रेंड आपको आप जो और भी दिखा देता है कैंडिडेट विल बी ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे ये और भी जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हैं जो आपको ऊपर दिखाया वो यहाँ पर सेम दोबारा आई हैं ठीक है फ्रेंड जो आपने यहाँ पर नीचे फिर आएंगे तो बिल्कुल एंड में आकर आपको अप्लाई नाउ का यहाँ पर दिखेगा डिजाइन डिपार्टमेंट की आर एन डी के अंदर आपकी जॉब रहेगी तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड मैं बैक आ जाऊँगा डिज़ाइन वालों के लिए और भी वैकेंसीज है फ्रेंड ये जो थी डिज़ाइन टू थी यहाँ पर महाराष्ट्र औरंगाबाद के लिए ठीक है मटेरियल अवेलेबिलिटी एनालिस्ट तो यहाँ पर मैं जाऊँगा जो मटेरियल अवेलेबिलिटी एनालिस्ट है तो वो भी फ्रेंड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ये फिफ्टीन फेब को आई है कर्नाटका बेंगलौर के लिए ठीक है तो सप्लाई एनालिस्ट रोल इज़ प्राइमली फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइज एक्सटर्नल सप्लायर परफॉर्मेंस थ्रू अंडरस्टैंडिंग आर सप्लाई नेटवर्क टू ड्राइव एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड शेड्यूल्ड ऑर्डर विल्स ऑल्सो रिमेनिंग फोकस्ड ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले तो फ्रेंड इसके लिए कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पास जो मैनेजमेंट बैक ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोडक्शन विड्रॉल कैपेबिलिटी अलाइनमेंट हर चीज़ का यहाँ पर जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी ठीक है तो आपको देख सकते हो बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस किस लेवल का आपको यहाँ पर चाहिए ठीक है तो हर चीज़ मैं यहाँ पर नहीं पढ़ के बताऊंगा काफ़ी वैकेंसीज या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अप्लाई नाव पे आप क्लिक करके जो इन्वेंट्री वाले हैं लॉजिस्टिक के हैं स्टोर्स के हैं वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं मटेरियल एनालिस्ट जॉब के लिए तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और भी आपको जो है जॉब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं ठीक तो, है तो एसोसिएट इंजीनियर डिजाइन वन सेम रिस्पांसिबिलिटीज वही है डिजाइन डिपार्टमेंट डिजाइन की फर्स्ट जॉब ये है सेकेंड वो जो मैंने ऊपर आपको दिखाई है तो उसके लिए भी आप अप्लाई करते तो सेम इसके लिए तो फ्रेंड नेक्स्ट जॉब जो आ गई है क्वालिटी मैनेजर के लिए है काफी अच्छी मैनेजर जॉब है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थेके? तो मैं यहां पर भी इसको भी आपको दिखा देता हूँ तो इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र के लिए फिफ्टींथ फेब को आई है जॉब ठीक है तो इसका कोड भी आप ऊपर देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर द इंक्यूबेंट विल असिस्ट द फैसिलिटी प्रोडक्ट्स मीट द कैटरपिलर स्पेसिफिकेशन कम्युनिकेट एंड प्रमोट द क्वालिटी फिलोसफी एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू वेरियस क्वालिटी एरिया सच एज मैनुफेक्चरिंग टॉक स्पोर्ट गेज लैब हीट ट्रीटमेंट एंड और मेट लैब पर्सनल सो मेंटेन एंड पब्लिश डिफेक्ट रिपोर्ट डेट आर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एड इन कमिंग क्वालिटी लेवल सो इंक्मेंट इज अकाउंटेबल फॉर कन्फर्मेटी ग्लोबल क्वालिटी प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट ऑन क्यू एम एस प्रोसेस एग्जीक्यूशन द रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग प्रायरिटीज़ एस्टैब्लिश रिव्यू शेड्यूल फॉर प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजिंग इन कमिंग क्वालिटी ऑडिट एरिया तो फ्रेंड आगे भी आप रिस्पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी यहाँ पर रहेगी ठीक है इसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस भी दिखा देता हूँ कि कितना आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिए यहाँ पर ठीक है तो ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर रहेगी इसको आप पूरा रीड कर सकते हैं ठीक है तो मकैनिकल बैकग्राउंड का या मैन्युफैक्चरिंग आपका बैकग्राउंड है तो आप इस क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए और साथ में बता दूँ इसके लिए मिनिमम जो आपको एक्सपीरियंस जो है मिनिमम जो है एट इयर्स का रहेगा क्वालिटी मैनेजर जॉब के लिए ठीक है एट टू तो ट्वेल्व इयर्स तो आप इसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना सीवी सेंड कर सकते हैं तो फ्रेंड बैक चलूंगा मैं और भी आगे आपको वैकेंसीज यहाँ पर दिखाऊंगा इंडिया प्रोडक्शन अप्रेंटिस तो फ्रेंड देखिए इंडिया प्रोडक्शन अप्रेंटिस इंडिया प्रोडक्शन अप्रेंटिस बहुत जॉब है यहाँ पर तो फ्रेंड हर एक के लिए आपने अप्लाई करना यहाँ पर अलग अलग दी हुई है वो इसीलिए क्योंकि हर एक के जॉब कोड अलग हैं तो इसीलिए कंपनी डायरेक्ट नहीं लगती जॉब कोड अलग करके रखती है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन के भी वहाँ डिपार्टमेंट्स रहते हैं असेंबली के भी ठीक है तो आप देख सकते हैं ये भी सिक्सटीन फाइव को आइए इसका जॉब कोड अलग है आर फाइव टाइम जीरो है वन जीरो एट सेवन फाइव है तो इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं टू प्रोसेस बेसिक नॉलेज ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन असेंबली लाइन टू वर्क विद टीम एंड अचीव PQVC goals pertaining to their area of work to plan and ensure all resources available to meet daily production schedule based on MPS to fill as contingency in for other team members are required to maximize the area responsibility to the changing needs identifying a report for safety quality production issues and bring them to the immediate attention of the टीम लीड्स टू इंश्योर पार्टिसिपेट इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट डायलॉग्स एट दी सेल लेवल बोर्ड्स ठीक है फ्रेंड तो इस तरह की आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहेगी एज अ ट्रेनिंग तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो फ्रेंड इसके लिए आप बीटेक हैं या डिप्लोमा वाले हैं दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ इसी कोई तो इसके नीचे भी ये तमिलनाडु के लिए है ठीक है तिरुवालुर जगह है तमिलनाडु में तो इसके लिए आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं तो और भी दिखा देता हूँ आप यहाँ पर बेंगलुरु के लिए लॉजिस्टिक इंजीनियर ठीक है तो लॉजिस्टिक इंजीनियर के लिए भी आप कर सकते हैं यहां पर फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड जो वैकेंसी यहां पर रहेगी लॉजिस्टिक इंजीनियर की रहेगी बेंगलोर कर्नाटका के लिए तो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं सेवनटीन फेब को ये आई है और इसका जॉब कोड देख सकते हैं आर ट्रिपल फाइव टाइम्स जो है इसका जीरो वन वन सेवन टू थ्री है ठीक है तो आप देख सकते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लॉजिस्टिक इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स फॉर Greenfield or brownfield sites, and providing sport team on similar projects. So, in a lead, he, she should have the ability to lead junior associate on projects with the capital budget of 3 million dollars and expense budget or up to 5 million dollars so a person in his role is expected to lead and support multiple high visibility projects this role will requires to work with global teams to drive solutions to complex business problems the primary role is to define and deliver global solutions for manufacturing logistics स्पेसिकली इन द एरियाज ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन स्टोरेज एंड फैसिलिटी लेआउट डिजाइन एम एच की रिक्वायरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज डिज़ाइन ऑटोमेशन सोल्यूशन फॉर वेयर हाउस ठीक है फ्रेंड इस तरह की जो है आपकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो आप आगे देख सकते हैं किस तरह का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए तो इंजीनियरिंग डिग्री आप, आपके पास होने चाहिए या इक्वल एंड एक्सपीरियंस और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो एट प्लस ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है इन वेयर हाउस डिज़ाइन सप्लाई चेन और मैनुफैक्चरिंग लॉजिस्टिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डब्ल्यू एम एस फंक्शनिंग एडवांस स्किल इन और सिमिलर सॉफ्टवेयर मस्ट ठीक है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसके साथ ही जो है आप अप्लाई नाव पर क्लिक करके अपना सीवी सेंड कर सकते हैं यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और भी आपको वैकेंसीज दिखाता हूँ फ्रेंड यहाँ पर देखिए और वैकेंसी है इंडिया प्रोडक्शन अप्रेंटिस तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए डिप्लोमा और जो ग्रेजुएट वाले हैं ये वर्ल्ड की टॉप फॉर्चून कंपनी में फ्रेंड आती है तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसीज है इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ जो न्यू अभी लेटेस्ट अभी निकली हैं लास्ट मंथ भी दिखाई थी वो कंपनी फिल कर चुकी है इसके बाद आई है ट्रेनी की तमिलनाडु के लिए देखिए कितनी वैकेंसीज है तो तभी सभी आपने ये अप्लाई करनी है यहाँ पर ठीक है तो अलग अलग जगह सब जगह आपने अप्लाई करना मैं एक जगह आपको यहाँ पर ये यह दिखा देता हूँ ट्रेनी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया ठीक है तो ये देखिए सिक्सटीन फेब को आई है कल ही आई है वैकेंसी ठीक है सभी के जॉब कोड अलग होंगे तो सभी के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा टू प्रोसेस बेसिक नॉलेज ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन असेंबली लाइन टू वर्क विद टीम एंड अचीव पी क्यू वीसी गोल्स फॉर टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ वर्क टू प्लान एंड इंश्योर ऑल रिसोर्स अवेलेबल टू मी डेली प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन एम पी एस टू फिल एस कंटीजेंसी इन फॉर अदर टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी changing needs identifies and reports for safety quality and production issues and bring them to the immediate attention of the team leads to ensure participation in process improvement dialogues at the cell level boards to ensure participation in generating and working on continuous improvement ideas related to their assigned areas to participate in RIW for their assigned area of responsibility to participate in process troubleshooting and helps to determine the root cause तो फ्रेंड देख सकते हैं आपकी जो लाइन रहेगी असेंबली टेक्नीशियन स्किड स्टील लोडर असेंबली लाइन जहाँ पर आपकी रहेगी जो आपकी जो जॉब यहाँ पर होगी एज आ प्रोडक्शन ट्रेनी रहेगी ठीक है तो फ्रेंड इसके लिए बी टेक और कॉलेज जो भी है हमारे डिप्लोमा वाले हैं दोनों इसके लिए अप्लाई का कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ और भी जैसे मैंने आपको वैकेंसी नीचे दिखाई है तो यहाँ पर अलग अलग सभी के लिए आपने अप्लाई करना है उसके बाद फ्रेंड जो आ गया एसोसिएट इंजीनियर एंड क्लोजर डिज़ाइन जो डिज़ाइन वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन की जॉब है ठीक है फ्रेंड आगे मैं नीचे चलूँगा ठीक है तो इसके लिए आगे नेक्स्ट जॉब है हाइड्रोलिक सिस्टम इंजीनियर उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक जॉब और दिखा रहा हूँ आपको जो है क्वालिटी सुपरवाइजर के लिए ठीक है क्वालिटी सुपरवाइजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी सोलह तारीख को कल ही जॉब आई है तमिलनाडु के लिए ये ठीक है तो डिस्क्रिप्शन द इक्विपमेंट इज अकाउंटेबल फॉर कन्फर्मिटी टू ग्लोबल क्वालिटी प्रोसेसिज एंड रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट ऑन क्यू एम एस प्रोसेस एग्जीक्यूशन द रोल इज अ रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज इस्टैब्लिशिंग रिव्यू शेड्यूल्स फॉर प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजिंग शॉप फॉर क्वालिटी कंट्रोलर्स ठीक है फ्रेंड तो इसके बाद आप जितनी भी रिस्पॉसिबिलिटी यहां पर देख सकते हैं प्लान वर्क एंड मैनेज शॉप फ्लोर क्वालिटी कंट्रोलर्स स्टेबलिश्यूलूल ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल इक्विपमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइज चेकिंग रिपेयर ऑफ मेजरमेंट डिस्ट्री िसिस कंडक्ट इनिशियल टेस्टिंग सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड असेसमेंट ऑफ क्वालिटी पोजिशन रिपोर्ट डायरेक्टली टू अर क्वालिटी मैनेजर इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एसोसिएटेड विदोक्ट लाइन और वैल्यू स्ट्रीम इंक्लूडिंग ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन ठीक है फ्रेंड इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग डिग्री है कोई भी अगर है आप इलेक्ट्रिकल में हो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में तो भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो ठीक है फ्रेंड फोर प्लस आपको एक्सपीरियंस इसके लिए मिनिमम आपको चाहिए ठीक है तो आपकी जो भी है आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं तो फ्रेंड इसके बाद भी जो मैं आपको नेक्स्ट पे यहाँ पर चलूंगा जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पर और भी आपको वैकेंसीज का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर इंजीनियर डिज़ाइन वाले फ्रेंड यहाँ भी वैकेंसी लगी है वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे ठीक है उसके बाद जो है तमिलनाडु की हाइड्रोलिक कंपोनेंट इंजीनियर वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं देखिए डिज़ाइन की कितनी वैकेंसीज है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इंजीनियर डिज़ाइन इंजन रोटेटिंग कंपोनेंट इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन जो अभी आपके पास मिनिमम फोर फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन में आप सेंड कर सकते हैं अपना सीवी स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है देख लीजिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पर फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लीड ठीक है अगर आपके पास सेवन ईयर्स एक्सपीरियंस है इन मशीनिंग ठीक है मशीन शॉर्ट में अगर आपके पास है इन प्रोडक्शन लाइन तो आप अपना सीवी यहां पर जरूर सेंड कर दिए चेन्नई तमिलनाडु के लिए फिर आगे इंजीनियर डिजाइन इंजन रोटेटिंग कंपोनेंट डिजाइन वाले यहां भी अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट इंजीनियर जिसके बाद मिनिमम प्रोडक्शन में वन टू टू ईर्यर्यर्यर्यर्यस का है तो वो एसोसिएट इंजीनियर के लिए अपना सी जरूर सेंड कीजिए ठीक है फ्रेंड उसके बाद आ गया सीनियर एसोसिएट इंजीनियर यहाँ भी आप अपना सेंड कर सकते हैं फिर है गैस टर्बाइन एक्सलरी इंजीनियर उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेल्स की यहाँ भी जॉब लगी है सेल्स पोर्ट इंजीनियर उसके लिए भी सेल्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है हर जॉब में यहाँ पर नहीं आपको दिखा सकते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको ही मुश्किल होगी देखने के लिए तो आप इसको क्लिक करके हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं जो भी आपके लेवल की जॉब है फ्रेंड आप सेंड सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की यहां भी जॉब लगी है तमिलनाडु के लिए आप अपना सेंड कर सकते हैं सीवी डिजाइन इंजीनियर की एक और जॉब है उसके बाद आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट ठीक है न्यू प्रोडक्ट एन वाले भी तो इसके लिए आप सेंड कर सकते हैं अपना सी वी पर फिर आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो अभी है पोस्ट पर इन्वेंट्री इंजीनियर इन्वेंट्री सुपरवाइजर वो इन्वेंट्री मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मिनिमम एट ईयस एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वाले देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के जॉब है सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ठीक है सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यहाँ पर आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं फ्रेंड आगे है सप्लाई डेवलपमेंट इंजीनियर ठीक है सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन

ठीक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन सीपीआई देखिए ये अलग अलग जॉब कोड पे वह है आप सभी के लिए अप्लाई कीजिए फिर है इलेक्ट्रिकल वाले जो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर फिर नीचे और आगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए इंजीनियर डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए शिपिंग कोऑर्डिनेटर है ठीक है तो हौसूर के लिए शिपिंग वाले कंपनी को चाहिए जिसके लिए लॉजिस्टिक वाले जा सकते हैं आराम से ठीक है तो फ्रेंड आगे आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट सैप वाले जो सेप के लिए जाना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आगे आ गया इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ इंजीनियर के लिए भी फ्रेंड आप सेंड कर सकते हैं फिर आ गया और डिजाइन की पोस्ट है सीनियर इंजीनियर डिजाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड आगे आ गया डीईटी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा जो डीई की पोस्ट है ठीक है ये सबसे मैं आखिरी में आपको डीई की पोस्ट भी दिखाता हूँ इसके पहले मैं बता देता हूँ इंजन डिजाइन के लिए यहाँ और पोस्ट भी लगी हैं जो है कोर इंजन कंपोनेंट्स ठीक है कर्नाटका के लिए और ये है चेन्नई तमिलनाडु के लिए लगी है ठीक है फ्रेंड उसके बाद जो मैं आपको ये क्लिक करके यहां पर बताता हूँ जो डीई की है ठीक है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी स्पेशली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड जैसी मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं सोलह तारीख को ही जॉब आई है जैसे कि कल ही जॉब आई है तो क्वालिटी के लिए रहेगा यहां पर डिप्लोमा वाले चाहिए कंपनी को क्वालिटी इंस्पेक्शन फॉर इनकमिंग पार्ट्स फ्रॉम सप्लायर वर्क्स इन इनकमिंग क्वालिटी ऑडिट क्वालिटी इंस्पेक्शन फॉर इनकमिंग पार्ट्स फ्रॉम सप्लायर सो फ्रेंड इसके लिए आप अप्लाई यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं तो फ्रेंड ये थी आज की जो वैकेंसीज थी लगी हुई सेवेंटी वन जॉब्स यहाँ पर लगी हुई हैं मल्टी नेशनल कंपनी में फॉर्च्यून कंपनी में सो so दोस्तों ये चैनल आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब्स है आपको दिखाता रहेगा जिससे हमारे इंडियंस भाई बहन है अच्छी कंपनी में जाके स्टेबल हो सकें ठीक है तो फ्रेंड अगर आपकी तरक्की होगी तो हमारे देश इंडिया की भी ज़रूर तरक्की होगी ठीक है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ पर दिखाई गई अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे